गाइस, वेलकम टू लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी अभी दिवाली गई है, सो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, क्योंकि मैंने पिछले एक महीने में कोई भी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ व्लॉगिंग नहीं करी। इस एक महीने में मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए। मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, मुझे मेल्स आए। साथ में जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर मुझे दो तीन लोगों के मैसेजेस आए। सो आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो मुझे प्यार करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज मेरी केयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या हुआ था, मैं कहाँ गायब थी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नहीं, आई एम नॉट लीविंग YouTube। मैं YouTube कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज मुझे YouTube पे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। और जो भी टेंशन्स होती हैं YouTube के वीडियो बना के, मेरी वो टेंशन्स चली जाती हैं। तो YouTube तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ अभी हाल फिलहाल। सेकेंड थिंग कि क्या हुआ था। सो हुआ यूँ कि एक दिन मैं अपने नॉर्मल जैसे जो काम होते हैं वो सब मैं कर रही थी। आई वॉज डूइंग माई रेगुलर हाउस होल्ड चोर्स और अनुज ऑफिस से मैं ऑफिस नहीं गई हुई थी। सो मेरे साथ कुछ तो एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया। सो मैंने तुरंत अनुज को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अभी तब 10 बजा हुआ था, कि आप तुरंत घर आ जाओ। और मैं ठीक हूँ लेकिन है दिक्कत। तो अनुज भागते भागते आए जल्दी से और हम फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा कि हाँ थोड़ा सा मेरा केस सीरियस हो गया था। सो मुझे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया गया, क्योंकि वहाँ पे जब आप इमरजेंसी में जाते हैं तो आपकी कंडीशन देख के वो ट्रायज करते हैं कि अगर आप रुक सकते हो तो जो पहले ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको वो करते हैं, एडमिट करते हैं। तो मुझे तुरंत इमिडिएटली मुझे एडमिट कर लिया गया था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, सब ने मुझे देखा, चेक किया और मुझे यही बताया कि मुझे छोटी सी सर्जरी है, मुझे वो करवानी पड़ेगी। तो क्योंकि मेरे रियल ब्रदर भी डॉक्टर हैं, तुरंत हमने उनको भी कंसल्ट किया, वो भी हमारे टच में थे कंटिन्यूसली। और वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, डॉक्टर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का जो सारा मेडिकल सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में। सो उसके ऊपर मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर सकती, लेकिन बस एक चीज़ की कमी थी, वो था मॉरल सपोर्ट, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है वहाँ पर। तो थोड़ा सा अकेलापन लगता था, अनविती को संभालने में हमें दिक्कत हो रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे अकेले से करेंगे। और इंडिया से अगर कोई आएगा तो भी वीज़ा वगैरह सब कुछ करने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। सो हमने अपने भाई से बात करी और भैया ने मुझे बोला कि तुम इमीडिएटली तुम आज ही रात को फ्लाई कर लो इंडिया और फिर हम देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो हम उसी रात को इंडिया के हमने फ़्लाइट पकड़ी। इमीडिएटली हमने सब कुछ टिकट्स वगैरह बुक करी, जो भी सामान पैक कर सकते थे किया और हम इंडिया आ गए। और करीब अभी एक महीना हो गया है, तीन हफ्ते एक महीना हो गया है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ऑल गुड नाउ। मैं कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं 80-90% रिकवर हो चुकी हूँ उस प्रॉब्लम से। सो या आई एम ऑल गुड नाउ। और एक्चुअली जो भी हमने स्पेकुलेट किया था, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमें लग रहा था ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इट वॉज जस्ट इन्फेक्शन। हम इंडिया आए, सारी टेस्टिंग्स हुई, सो इट वॉज नथिंग सीरियस। और यहाँ पे इतना सारा मॉरल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात जो है कि फैमिलीज अराउंड। मेरा भाई डॉक्टर है तो हम में से किसी को भी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ एंड थिंग्स आर ऑल गुड नाउ। सो आई एम बैक ऑन माई नॉर्मल रूटीन नाउ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि ऑलमोस्ट एवरी डे मैं एक वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए। फिलहाल तो आप लोगों को इंडिया सीरीज जो इंडिया में मैं वीडियोज़ बना रही हूँ वो आपको मिलेगी, प्लस वहाँ के कुछ वीडियोज़ से जो मैंने ऑलरेडी शूट करके रखे हुए थे बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। सो अब आई स्टार्ट अपलोडिंग दोज वीडियोज़ एज वेल। और मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलाऊँगी। अभी मैं अपने घर पर हूँ, अपनी मम्मी के घर पर हूँ, भाई के साथ हूँ, और इसके बाद मैं अपने इन लॉज के पास जाऊँगी, तो मैं उनकी फैमिली से भी आपको मिलाऊँगी। सो या आई होप कि आप सब लोग इंजॉय करेंगे ये सीरीज। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि कैसा लग रहा है आप लोग को ये वीडियोज़ देख के। और मेरे बगल में बैठी हुई है एक मेरी लाइफ में बहुत ही स्पेशल पर्सन है, मेरी छोटी भतीजी, मेरी नीस। सो वो मेरी सो वो बहुत ही एक्साइटेड है वीडियो में आने के लिए। मैं आप सबको उससे मिलवाना चाहती हूँ। आ जाओ आ जाओ। सॉरी। हेलो, ये है मेरी दूसरी बेटी।
Say hi to everyone. Hi. So what's your name? Arna. इधर देख के बताओ. Arna. Arna Shivastha. And you study? In third class. और ये बहुत ही naughty है. ये तो इसकी शक्ल देख के पता लग गया होगा आप लोगों को. ये बताना जरूरी था. अच्छा ये हम डिलीट कर देंगे. ये नॉटी नहीं है, ये बहुत सीधी है. चलो सबको बाय करो. बाय.